इस समय मैं आपके साथ सुदेश पुनिया सिरसा जिला के चोपटा ब्लॉक के ढूपड़ा गांव में मौजूद हूँ। ढूपड़ा गांव में इसलिए आना हुआ क्योंकि यहां पर ढूपड़ा सोशल सोसाइटी के नाम से एक क्लब कहें या संस्था कहें, जो लगभग 4 या 5 सालों से गांव के अंदर किसी प्रकार की एक्टिविटी हो उसमें अव्वल दर्जे के साथ काम करता है। इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर एक महामारी का प्रकोप छाया हुआ है कोरोना वायरस के नाम से। उसी कोरोना वायरस को नज़रअंदाज करने की अगर मैं बात कहूं तो इस समय ढूकड़ा की जो सोशल सोसाइटी है उन्होंने भी एक अनूठी पहल गांव के अंदर शुरू की है। चलिए तमाम मैं आपको यहां पर हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है, उनके हाथों में छोटे छोटे बैनर मौजूद है, वो कैमरामैन के माध्यम से दिखा देना चाहता हूं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए ढूकड़ा गाँव के अंदर एक विशेष अभियान अगर मैं कहूँगा तो वो इस समय चलाया हुआ है। यहाँ के युवा जो हैं वो इस अभियान से जुड़े हुए हैं। इस अभियान के दौरान गांव में गली गली में जाकर के, चाहे वो स्कूल में जाने की बात हो, स्कूल में जाकर के लोगों को, घरों में जाकर के बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को सचेत किया जा रहा है कि इस महामारी से किसी प्रकार से बचा जा सके। चलिए जानते हैं, इसी तर्ज पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले हम ढूकड़ा सोशल सोसाइटी के बारे में पूछते हैं। जो कलर का सारा सग है जी, ये संस्था है जी, एक के खिलाफ कोनी जी। और अब जो मौका पर अभियान चलन लाग रहा है, इंग मा केतरिया थे सहयोग करने लाग रहे हो? वो तो आ तो सारे महामारी अभी आई है, तो अभी इन चर्चा चली है गांव के अंदर। इस संस्था की अगर बात की जाए, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम से रिलेटेड हो, चाहे वो खेल कूद से संबंधित हो, या लोगों को स्वास्थ्य के बारे में सचेत करने की बात हो, तो कहीं ना कहीं ये जो क्लब है वो अपनी एक्टिविटी के माध्यम से समय समय पर गांव के अंदर इस प्रकार के अभियान चला करके लोगों को सचेत करने का कार्य कर रहा है। चलिए इसी तर्ज पर हमारे सोशल सोसाइटी यानी ढूकड़ा सोशल सोसाइटी के जो मुख्य, अगर मैं एक्टिव सदस्य की बात करूँ, हमारे साथ राजेंद्र ढूकड़ा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस क्लब की जो अब मौके पर मुख्य एक्टिविटी है कोरोना वायरस को लेकर के, वो इस प्रक्रिया को किस प्रकार से अंजाम दे रहे हैं। जी जी, आप इस वायरस को लेकर के गांव में किस प्रकार के अभियान चला रहे हैं? मैंने आपको बताया ना, हम बुनियादी करवाएंगे गांव में, खास तौर पर पंचायत की तरफ से गली गली में इसकी सूचना होगी। ये पंपलेंट्स है, ये सार्वजनिक जगह पर जाए, जहां हमारा अस्पताल है, जहां हमारे कोई दुकानदार है, जहां हमारा ग्राम सचिवालय है, वहां पर इनको लगाएंगे। इसकी जानकारी तमाम लोगों को देंगे कि इससे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि किसी आदमी को खांसी आ रही है तो उससे कोई कोरोना वायरस हो जाएगा, ये नहीं है। लेकिन हमें सावधानी इसके लिए बरतनी होगी, इन चीजों के बारे में जागरूक लोगों को करना होगा, और इसीलिए हम चाहते हैं कि सभी लोगों को जागरूक करें, खासतौर पर महिलाएं जो है घरों में काम करती है, एक से दूसरे बच्चे के साथ फैल जाता है, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे अपनी दादी के साथ, दादा के साथ सोते हैं, तो उनको यही बताएंगे कि वो जो है छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, बार बार हाथ धोएं, साबुन का इस्तेमाल करें। अगर किसी के पास व्यवस्था नहीं है तो महिलाएं जैसे घरों में कार्य करती है, भैंस रखते हैं, पशु रखते हैं, तो गोबर को भी उनको उठाना होता है, तो वो जो है हाथों को बार बार साफ करें, मिट्टी से भी साफ करें। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें जो है वो हम जा करके लोगों को बुनियादी के माध्यम से मंदिरों में और सब चीजें लोगों को जानकारी देंगे, और खासतौर पर बच्चों को जागरूक करेंगे जी। कोरोना वायरस के अलावा इस समय तो आपने अभियान चला रखा है, लेकिन गाँव में जो ढूकड़ा सोशल सोसाइटी है उसके मुख्य क्या क्या गतिविधियाँ और रहती है? मुख्य गतिविधि ये आप जो पार्क देख रहे हैं, यहाँ एक समय था जब कचरा पड़ा रहता था, आज आप देख रहे हैं इस हरियाली है चारों ओर, तकरीबन 200 के आसपास पेड़ है इसके अंदर, जो पेड़ बन गए हैं आज के दिन, जो हमने छोटे से पौधे लगाए थे, तो हमने लगा करके इनको छोड़ा नहीं, इनको जैसे एक बाप अपने बेटे को पालता है, अपनी एक माँ अपने बेटे को पालती है, वैसे ही हमने इनको पाला पोसा है। और हमारा तो यही है कि एक पुराने जमाने में कहावत होती थी, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं गिलोई जी, हम तो इस पार्क से ही जो है इस संक्रमण को टक्कर देना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं जी कि क्या है ये जी। ये मेरे हाथ में गिलोय है, गिलोय घनवटी, ये आयुर्वेद की दवा होती है। पहले कहावत थी, मैं आपको वो कहावत बताता हूँ कि हरड़ बहेड़ा आंवला चौथी नीम गिलोय, दे दे बेटा वेद्य का जो होनी से होए। ये कहावत थी कि इन दवाओं को अगर मिला करके जो दवाई दे दी जाती थी तो किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता था। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि गिलोय हमारे पार्क के अंदर है, नीम हमारे पार्क के अंदर है, हमारे पार्क के अंदर आंवला है, हरड़ है, ये पौधे हैं सारे, इनके पत्तों से अगर घर में जा करके इनको खाया जाए, नहाया जाए रोजाना, तो संक्रमण क्या कोई इन बुखार जुखाम इन रोगों से जो है दूर रहेंगे, किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगेगा जी। चलिए,
तो तमाम आपने ढुकड़ा सोशल सोसाइटी के जो तमाम प्रक्रियाएं थी गांव में इस समय कोरोना वायरस से बचने के लिए जो अभियान चला रखा है या मुख्य अगर गतिविधियों की भी बात हुई यहां पर, तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो ढुकड़ा सोशल सोसाइटी जो है वो इस समय 45 क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से एक्टिव है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं गांव में है, जो और गांव के जो क्लब हैं, जो युवा संगठन बनाए हैं, तो उनको भी इस प्रकार की जो एक्टिविटी है, गतिविधियां गांव के अंदर चलानी चाहिए। कैमरामैन रोहताश कुमार के साथ सुदेश पुनिया के हरियाणा।